एवरीवन, मैथ टीचर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है आपका कोडिंग और डिकोडिंग, उसको हम लोग समझेंगे और एक एक चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो देखिए, सबसे पहले आपको कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग जो आपका अल्फ़ाबेट होते हैं तो उसका हम लोग नंबर वाइज उसको नंबरिंग जानेंगे, ठीक है। उसका कोड क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इतना तो नॉर्मली याद होता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इतना तो ई तक नॉर्मली आपको याद होगा। आगे हम लोग इसका कोडिंग ट्रिक के मदद से समझने की कोशिश करेंगे तो अच्छा से कन्फर्म होगा और कभी हम लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए, यहाँ तक ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, यहाँ तक को नॉर्मली याद होता है। चलिए अब यहाँ से हम लोग ट्रिक से याद करेंगे और बहुत ही अच्छा ट्रिक का उपयोग करेंगे। देखिए, जैसे कि एफ, तो एफ का एफ यानी कि फिक्स, तो फिक्स का क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। फिक्स का सिक्स। देखिए, एफ माने फिक्स, तो फिक्स का आपका कोडिंग क्या हो जाएगा, 6 यानी कि 6, ठीक है। जी यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, आपने नाम सुना होगा ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। इसको आप एक ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं, जैसे कि एफ यानी फिक्स, तो फिक्स का सिक्स, ग्रुप में जी का जी, तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे एच, तो एच इज लुक्स लाइक 8, एच जो है आपका लुक्स लाइक ऊपर दोनों की तरफ हम लोग मिला देंगे तो ये आपका 8 की तरह दिख रहा है, तो एच इज लुक्स लाइक 8 यानी कि एच जो है आपका 8 की तरह दिख रहा है। आई का हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देखिए आई नो यानी कि मैं जानता हूँ, आई का नो, जैसे कि नॉर्मली हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं आई नो, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिए जे के, देखिए जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो जे का होता है आपका 10 और के का होता है 11, ठीक है। तो इसको हम लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, आपका इस जम्मू एंड कश्मीर में 10 और 11 गोलियां रोज चलती रहती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में दस और ग्यारह गोलियाँ रोज चलती रहती हैं। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, J 10 के 11, जम्मू एंड कश्मीर में 10 और 11 गोलियाँ रोज चलती रहती हैं। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 10 11 गोलियाँ रोज चलती रहती हैं। चलिए अब आगे हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए L यानी कि लाइन को देखते 12 बज गए। लोग बोलते हैं लाइन को देखते 12 यानी कि शेर को देखते ही आदमी के दिमाग पे चेहरा पे 12 बज जाते हैं, तो यहाँ से याद कर सकते हैं L 12 यानी कि लाइन को देखते 12 बज गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए M 13, इसको देखिए कैसे याद करना है, M 13 और यहाँ पे N 14, तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं यानी कि मेरा तेरह, तो जब मेरा 13 हो जाएगा तो N 14, M 13 तो N 14, देखिए ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स है यानी कि उल्टा है, और दो रिवर्स लेटर का जो सम होता है यानी कि अगर यहाँ पे हम M प्लस अगर N करेंगे तो दो रिवर्स लेटर का सम जो होता है 27 होता है, दो रिवर्स लेटर का सम जो होता है 27 यानी कि ऐड करेंगे तो 27 आएगा, यानी कि M का 13 और N का 14 दोनों को हम ऐड करेंगे तो 27 आएगा। जब हम दो रिवर्स लेटर का जोड़ते हैं तो 27 आता है, रिवर्स लेटर को भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं,
मेरा तेरा, मेरा तेरा, तब जब मेरा तेरा हो जाएगा तो उसके जस्ट एक भाग एन है, तो एन 14, मेरा 13 एन 14, इसको दोनों को एक साथ याद कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे ओ। देखिए तो आपने इसको जाना होगा ओ आर एस। देखिए यहाँ पे देखिए ओ का होता है आपका 15, ओ का होता है 15, और पी का होता है 16, इसको हम ठीक बताएंगे, और क्यू का होता है 17, और आर का होता है 18, और एस का होता है 19। तो देखिए इसको कैसे हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो देखिए 15, 15, 15 और 18। तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे देखिए 15 और 18 साल के बच्चों को 15, 18 और 19 तीनों के एक साथ याद करेंगे। देखिए कैसे 15, 18 और 19 साल के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 15, 18, 15, 18, 15, 18 साल के बच्चों को, साल के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जाता है, ORS का घोल पिलाया जाता है। 15-18 साल के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जाता है। तो ये आपका ट्रिक हो गया ORS, 15-18-19 साल का बच्चों को ORS का घोल पिलाया जाता है। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। देखिए 15-18-19 साल के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए तो ओ आर एस यहाँ इसका हो गया और पी क्यू बच गया, तो पी क्यू को कैसे याद करेंगे। देखिए पी यानी पी से हो जाएगा आपका प्रिंस, पी से हो जाएगा आपका प्रिंस, और क्यू से हो जाएगा आपका क्यून, ठीक है। तो देखिए 16 साल का प्रिंस, 16 साल का जो प्रिंस है 17 साल की क्यून से शादी करेगा, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्यून से शादी करेगा, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा, तो ये आपका ट्रिक हो गया, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा, तो ये आपका ट्रिक हो गया, ठीक है। तो पी क्यू आर एस यहाँ तक हो गया, जैसे कि हमने बताया है 15 18 19 साल के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जाता है, तो एस तक हो गया। देखिए आपका यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे लिख लेंगे टी, टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे ट्रिक लगाएंगे, इसको आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि ST ST। देखिए एस का 19 होता है और टी का 20 होता है, ठीक है, तो यहाँ से कैसे याद करेंगे। देखिए ST यानी कि ST SC, ST SC में 19-20 का, 19-20 का फर्क है, SC ST में, ST SC में 19-20 का, 19-20 का फर्क है। देखिए S का 19 और T का 20, यहाँ पे ST SC में 19-20 का फर्क है, यानी कि S का 19 और T का 20 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ से भी याद कर सकते हैं, ST SC में 19-20 का फर्क है, यानी कि S का 19 और T का 20। देखिए यहाँ पे ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हैं, T20 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 मैच होता है तो T20 T20 T का आपका 20 हो जाएगा, T का कोडिंग 20 हो जाएगा, T20 T20, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी ST SC में 19-20 का फर्क है, यानी कि S का 19 और T का 20। चलिए अब आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं यू, यू का हो जाएगा आपका यू। देखिए यू का कैसे ट्रिक लगाएंगे, तो यहाँ पे यू यू गिव मी 21, यू का आपका क्या होता है 21 होता है, 21 होता है, तो यू गिव मी 21, ऐसे इसको ट्रिक के मदद से याद कर सकते हैं। वी वी का क्या हो जाएगा, वी यानी कि हम दो हमारे दो, वी यानी कि हम दो
हमारे दो, यानी कि इसका 22 हो जाएगा। बी का हम दो हमारे दो, हमारे दो, तो इसका 22 हो जाएगा। कोडिंग इसका क्या होगा, 22 हो जाएगा। वी हम दो हमारे दो, इसका कोडिंग हो जाएगा आपका 22। तो ऐसे इसको ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डब्लू, तो डब्लू का क्या होता है, डब्लू से हो जाएगा आपका, डब्लू का होता है आपका कोडिंग 23। तो देखिए डब्लू से होता है आपका वर्क, ठीक है। तो देखिए डब्लू से आपका वर्क होता है, तो वर्क यानी कि किसी भी आदमी को 24 घंटा वर्क नहीं करना चाहिए, तो वो कितना करेगा, 23 घंटा कर लेगा। किसी भी आदमी को 24 घंटा वर्क नहीं करना चाहिए तो वो कितना कर लेगा, 23 घंटा कर लेगा। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, डब्लू से वर्क, यानी कि किसी भी आदमी को 24 घंटा वर्क नहीं करना चाहिए तो वो 23 घंटा कर लेगा। चलिए अब यहाँ पे एक्स, एक्स का होता है 24। तो ये जो सिंबल है यानी कि 31, इस सिंबल का मतलब 31, यानी कि देखिए एक्स यानी कि इससे आप 24 घंटा काम नहीं करेंगे, तो डायरेक्ट आप इससे याद कर सकते हैं एक्स यानी 31, यानी कि 24 घंटा काम नहीं करना चाहिए। तो इस दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाई का, वाई और जेड, वाई का होता है आपका 25 और जेड का होता है 26। तो यहाँ से डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं, लास्ट आपका जेड 26 होता है और वाई 25 होता है, तो इतना तो आदमी को क्लियर होता ही है लास्ट वाला, और उससे एक अंक पहले तो याद रहता ही है। तो जेड का 26 और वाई का 25। तो यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट का कोडिंग जान गए, अब हम लोग अल्फ़ाबेट का रिवर्स जानेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेट का रिवर्स क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रिवर्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए रिवर्स यानी कि उल्टा, देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, इतना तो नॉर्मली याद होता है। और आगे हमने कोडिंग डिकोडिंग बताया है ट्रिक की मदद से, जैसे कि एफ यानी फिक्स, तो फिक्स का 6, जी यानी ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, एच, एच इज लुक्स लाइक 8, यानी कि एच जो होता है ऊपर और नीचे मिला देंगे तो 8 की तरह दिखेगा। आई नो, आई नो, जे जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां रोज चलती रहती हैं। एल लाइन को देखते ही 12 बज गए। एम यानी मेरा, 13, मेरा 13। यहाँ पे एन 14, मेरा 13 तो एन 14, ठीक है। अब देखिए 15-18 साल के बच्चों को, ओ 15-18 और 19 साल के बच्चों को ORS का घोल पिलाया जाता है। अच्छा 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए ST/ST में 19-20 का फ़र्क है, ST/ST में 19-20 का फ़र्क है, ऐसे भी याद रख सकते हैं, या फिर T20 तो S उससे एक पहले है तो 19 हो जाएगा। अच्छा यू गिव मी 21, यानी कि यू का 21 हो जाएगा। वी यानी वी मतलब होता है हम, वी देखिए वी से होता है वी, हम दो हमारे दो, यहाँ पे थोड़ा हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे वी, वी मतलब क्या होता है, हम, ठीक है, वी यानी हम। तो वी, वी से वी जो होता है वी, ये तो वी है लेकिन वी हम लोग पढ़ेंगे, तो वी यानी कि वी, यानी वी माने हम, तो वी यानी हम दो हमारे दो। और यहाँ पे डब्लू, डब्लू यानी कि वर्क, यानी कि वर्क 24 घंटा नहीं करना चाहिए तो कितना घंटा, 23 घंटा कर लेगा। एक्स यानी कि 24 घंटा वर्क नहीं करना चाहिए। और वाई जेड यानी कि जेड का 26 तो वाई का 25, ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग। अब यहाँ पे रिवर्स थोड़ा हम लोग समझेंगे। तो देखिए ए का रिवर्स होता है जेड, ए का होता है जेड, ए का जेड यानी कि उल्टा से हम लोग चलते हैं, इधर से पहले से तो इधर से उल्टा से, यानी कि ए का जेड, बी का वाई, आगे बढ़ेंगे और यहाँ से पीछे घटेंगे, तो ये रिवर्स हो जाता है। जैसे कि ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, इधर 3 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो इधर से जेड से 3 स्टेप पीछे आएंगे। डी का 4, डी का डब्लू, ई का भी, ऐसे। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक के थ्रू। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको जानना है, दो लेटर्स का रिवर्स जो होता है, जैसे कि वो ए का 1 और जेड का 26, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आएगा, 27 आएगा। जैसे कि बी का 2 और वाई का 25, इसको भी ऐड करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पे किसी भी लेटर्स का, किसी भी लेटर्स का आप रिवर्स जब कीजिएगा तो 27 आएगा। तो ये तो रिवर्स हो गया, ये आपका डायग्राम हो गया। तो इसको हम लोग कैसे ट्रिक की मदद से याद करेंगे, थोड़ा उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे इस हम कहानी के थ्रू आपको इसका टोटल रिवर्स समझा देंगे। तो देखिए यानी कि एक अजीज नाम का लड़का है, ए का जेड, ए का जेड हो गया यहाँ पे,
कहानी को हम समझेंगे, उसके बाद आपको रिवर्स बताएंगे। तो एक अजीज नाम का बॉय है, एक अजीज नाम का बॉय है जिसको क्रैक्स और ड्यू क्रैक खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है। तो ए का जेड हो गया, एक अजीज नाम का लड़का है, ए का जेड, एक अजीज नाम का बॉय है, बी का वाई हो गया रिवर्स। ये कहानी अगर आपको याद रहेगा तो आप किसी भी चीज़ का रिवर्स आपको याद रहेगा। एक अजीज नाम का बॉय है जिसको क्रैक्स और ड्यू क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है, और उसका ईवीएस का एग्ज़ाम पड़ा है, उसका ईवीएस का एग्ज़ाम पड़ा है, उसके बावजूद भी फालतू मूवी देखने चला गया। ई का भी हो जाएगा, एफ का यू हो जाएगा, जितना इसमें रेड कलर का है उसका रिवर्स हो जाएगा। तो उसका ईवीएस का एग्ज़ाम पड़ा है, उसके बावजूद भी फालतू का मूवी देखने चला गया क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। तो जी का यहाँ पे टी हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। ग्रेट क्यों समझता था? ग्रेट इसलिए समझता था क्योंकि उसकी हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स आ गए थे। ठीक है, हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स आ गए थे तो वो अपने आप को ग्रेट समझता था, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स आ गए थे इसलिए वो अपने आप को ग्रेट समझता था। लेकिन ईवीएस के एग्ज़ाम में वो लड़का फेल हो गया, जिसके बावजूद उसके घर वालों ने खिसिया कर उसकी शादी जंगल क्वीन से कर दी। ठीक है, तो शादी हो गया, तो शादी में कुर्ता पायजामा तो पहनेगा ही। तो के का पी शादी में कुर्ता पायजामा तो पहनेगा ही, और कुर्ता पायजामा के साथ लोटो का जूता पहनेगा, और कुर्ता पायजामा और लोटो का जूता पहन के वो आदमी मैन बन गया। तो एम का एन हो जाएगा, देखिए एल का ओ हो जाएगा। फिर से एक बार कहानी को देखिए, एक अजीज नाम का बॉय है जिसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है, उसका ईवीएस का एग्ज़ाम पड़ा है, फिर भी उसके बावजूद फालतू मूवी देखने चला गया क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। ग्रेट क्यों समझता था? क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स आ गए थे, और वो ईवीएस के एग्ज़ाम में फेल हो गया, जिसके चलते घर वालों ने खिसिया कर उसका शादी जंगली क्वीन से कर दी। और जब शादी होगा तो मेरा भाई कुर्ता पैजामा तो पहनेगा ही, कुर्ता पैजामा पहना और लूटो का जूता पहना, और कुर्ता पैजामा और लूटो का जूता पहन के वो आदमी मैन बन गया। तो देखिए यहाँ पे अजीज नाम का लड़का है, यानी कि ए का जेड हो जाएगा, अजीज नाम का बॉय, बी का वाई जिसको क्रैक्स खाना और ड्यू पीना बहुत पसंद है। तो सी का एक्स हो जाएगा, डी का डब्लू हो जाएगा, ई का भी रिवर्स हो जाएगा, एफ का रिवर्स यू, और जी का रिवर्स टी हो जाएगा, एच का रिवर्स एस हो जाएगा, आई का रिवर्स आर हो जाएगा, जे का रिवर्स क्यू हो जाएगा, के का रिवर्स पी हो जाएगा, कुर्ता पैजामा जंगल क्वीन, एल का रिवर्स ओ हो जाएगा लुट्टो, एम का एन मैन। ठीक है, तो इस ट्रिक के मदद से आप इसको रिवर्स याद कर सकते हैं। फिर से इस कहानी को आप पॉज करके वीडियो को फिर से सुनिए, आपको अच्छा से इसको एक्सपीरियंस करना होगा तो आप इसका रिवर्स याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग जाना है, रिवर्स जाना, तो चलिए हम एक एग्जांपल दो एग्जांपल लेके इसको हम लोग अच्छा से कोडिंग डिकोडिंग को समझते हैं। तो देखिए ये रहा आपका फोर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है मैथ, तो मैथ का इस टाइप से कोडिंग किया गया है, MATH का कोडिंग जो किया गया है SGZN। ठीक है, तो इसको कोडिंग इसके अनुसार इसका कोडिंग हम लोगों को करना है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ है, एम जो है इसका रिवर्स एन है। तो देखिए एम का रिवर्स यहाँ पे लास्ट में एन है, ठीक है। अब देखिए ए जो है, ए का रिवर्स यहाँ पे जेड है, आदमी क्या हुआ मैन बन गया। तो एम का एन, ए का जेड, यानी कि अजीज नाम का एक लड़का था, टी जी वो अपने आप को ग्रेट समझता था। तो जी टी ग्रेट का रिवर्स यहाँ पे टी है, तो एम का रिवर्स एन है, तो एन का रिवर्स भी एम होगा, तो ए का रिवर्स जेड, तो जेड का भी ए, और टी का जी है तो जी का भी टी होगा। उसके हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स आ गए थे इसीलिए वो अपने आप को ग्रेट समझता था। तो एच का रिवर्स यहाँ पे एस दिया हुआ है। तो देखिए ये फर्स्ट पोजिशन पर एम है, तो उसका रिवर्स जो है लास्ट पोजिशन पर दिया हुआ है। तो वैसे ही सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जैसे कि ये चार
चार डिजिट का जो है, चार इसमें जो है अल्फ़ाबेट चार हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम लोग चार पहले बना लेंगे अपना जगह जहाँ पे हम लोग उसका कोडिंग करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले का लास्ट में इसका रिवर्स हुआ है, तो ये इसका फर्स्ट वाले का लास्ट में हम लोग यहाँ पे रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो देखिए बी का रिवर्स क्या हो जाएगा, अजीज नाम का क्या था, वाई था, तो वाई हो जाएगा। अब देखिए ये सेकेंड वाले का जो है इसका कोडिंग किया हुआ है जस्ट उससे थर्ड पोजिशन पर, तो देखिए ए, ए यानी कि एक अजीज नाम का लड़का था, तो ए का रिवर्स हो जाएगा जेड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर जो है ये थर्ड वाला जो है यहाँ पे सेकंड नंबर पे है, तो ये थर्ड वाला को हम लोग सेकंड नंबर लिखेंगे। तो देखिए आर, आर से आपका क्या हो जाएगा इंटर, उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स आ गए थे, तो आर का क्या हो जाएगा यहाँ पे आई हो जाएगा। अब के यानी कि कुर्ता पैजामा, कुर्ता पैजामा तो पहनेगा ही, तो के का रिवर्स पी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी। तो ब्रेक बार, देखिए बार का क्या हो गया कोडिंग पिज़ा, पी जी पी आई जेड वाई, ठीक है। एक और कोडिंग हम लोग समझेंगे दो नंबर, तो अच्छा से क्लियर होगा। देखिए ए बी सी डी इसका कोडिंग कैसे किया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए तो ए का जो यहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे ए का रिवर्स यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है, ए का यहाँ पे जेड दिया हुआ है। बी, बी का रिवर्स क्या होता है, अजीज नाम का क्या था, बॉय था, तो बी का रिवर्स जो है यहाँ पे सेकेंड में दिया हुआ है। सी यानी कि क्रैक्स, क्रैक्स और ड्यू, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना उसको बहुत पसंद था, तो सी का एक्स यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे दिया है, थर्ड का थर्ड पे, और डी यानी कि ड्यू पीना उसको बहुत पसंद था, तो डी का डब्लू। तो कैसे कोडिंग किया हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। तो ये तो दिया हुआ है लास्ट में, तो यहाँ पे हम लोगों का कोडिंग यहाँ पे आएगा। तो ये इसका फोर जो है अल्फ़ाबेट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसका हम लोग जगह बना लेंगे जहाँ पे हम लोग कोडिंग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए का जो है फर्स्ट में यहाँ पे कोडिंग किया गया है, यानी कि ये फर्स्ट वाला का यहाँ पे फर्स्ट में रिवर्स है, ठीक है। ए का रिवर्स जेड है, ये फर्स्ट पोजिशन पर है, तो यहाँ भी फर्स्ट पोजिशन है, तो यहाँ भी फर्स्ट है, तो इसका फर्स्ट पोजिशन यहाँ पर आएगा। तो मेरा भाई शादी में कुर्ता पैजामा तो पहनेगा ही, तो के का रिवर्स क्या हो जाएगा पी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड वाला का कोडिंग किया हुआ है, सेकंड वाले के रिवर्स यहाँ पे सेकंड वाला है, तो जे यानी कि जंगली क्वीन से उसका शादी कराया गया, तो जंगली क्वीन यानी जे का रिवर्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड वाला सी है, इसका पोजीशन थर्ड है यहाँ पे, तो आई का पोजिशन क्या हो जाएगा इंटर, हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे नंबर आ गए थे, तो आई का आर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी का लास्ट पोजीशन है यहाँ पे, तो देखिए तो ये लास्ट का लास्ट यानी कि यहाँ का पोजीशन यहाँ पे आएगा, लास्ट वाला यहाँ पे आएगा, तो हायर सेकेंडरी में उसके अच्छे नंबर आ गए थे, हायर सेकेंडरी, ठीक है। तो ये रहा आपका कोडिंग, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। तो ऐसा ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।